हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके व्हीकल का चालान तो नहीं हो गया है। अगर आपको लगता है कि कहीं आपके व्हीकल का चालान कैमरे से हो गया है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके व्हीकल पर कोई चालान तो नहीं है। तो दोस्तों, यह चेक करना बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल में आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर आपको वीडियो को कम्प्लीट देखना है और आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चालान चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको ऐप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपको टाइप करना है कार इन्फो। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसे टाइप करना है और यहाँ पर आपको इसे सर्च कर देना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक यहाँ पर एक इस तरह की एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैंने पहले ही इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर इसे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर भी आपको इसे स्किप कर देना है और स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको फिर स्किप करना है और स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है व्हीकल ओनर और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट सिटी कर लेना है। जिस भी सिटी से आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको वो सिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर वो सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। चालान चेक करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च व्हीकल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है सर्च व्हीकल। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ऊपर जो भी आपकी बाइक या फिर आपका फोर व्हीलर है यहाँ पर आपको उसका नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल के दिखा देता हूँ। नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली से सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई ऐड देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको उसे सिंपली स्किप कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐड स्किप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इसे नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर आपको इसे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे चेक चालान पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक चालान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर वेट करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये सर्वर डाउन बता रहा है तो यहाँ पर आपको दोबारा से ट्राई कर लेना है और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपका चालान हुआ तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपका चालान नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक का या फिर आप अदर व्हीकल का चालान चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।